नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और सुरेश पचौरी बुधनी पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते वक्त जनसंपर्क मंत्री ने रोजगार को लेकर बताया कि बुधनी में चल रहे दो बड़े उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय पत्रकारों को सुरक्षा मिले। मध्यप्रदेश के लोकल लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, उनको जॉब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो प्रक्रिया थी जो स्टेट से मुख्यमंत्री जी रहे, मैं समझता हूँ अब इन सब चीज़ों में बदलाव होगा। जो प्राथमिकता है वो रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, और इसीलिए उनने जो युवा है उनको स्टाइफंड 4000 रुपए देने की बात की है, जब तक कि उसको कोई नौकरी नहीं मिले। वैसा दूसरा सवाल है कि जो बड़े शहरों में पत्रकारों को सुविधाएं मिलती हैं, तो क्या क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए आपके कोई प्रयास? सभी पत्रकारों को मिलेगी, चाहे वो क्षेत्रीय हो या बड़े शहरों का हो, और साथ ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णराज बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खैरात की राजनीति कर रही है। कृष्णराज ने बताया कि 19 और 20 जनवरी को दिल्ली में 2 दिवसीय अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और कहा कि जितना काम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए किया है, वो कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कई काम किए और बाबा साहेब के सम्मान में डाक टिकट जारी किया, और यदि ऐसा नहीं होता तो आज भी देश के प्रधानमंत्री गरीबों के आवास, गरीबों के शौचालय, गरीबों के स्वास्थ्य और गरीबों के सम्मान के लिए जो जिन संसाधन पे उनका मूलभूत अधिकार बनता था, इतने वर्षों बाद बड़े पैमाने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करने का कार्य किया। मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहती हूं, जिस वोट बैंक का इस्तेमाल करके इतने लंबे वर्ष तक शासन किया, उनको एक दयनीय स्थिति में रख के सिर्फ खैरात बांटने का काम आज भी कर रही है, जबकि इधर मोदी सरकार ने स्थायी समाधान के लिए और उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिसका पिछले 4.5 साल में हम सभी ने यहां पर तमाम लाभार्थियों को लाभ लेते देखा है। मैं एक बहुत बड़ा तबका है जो वंचित रहा है और सिर्फ वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल किया गया है। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खैरात बांट रही है और कर्ज माफी वोट बैंक की राजनीति है। सुरक्षित रह सकता है, कहीं चोरी नहीं हो सकता, कहीं कोई लूट नहीं सकता, ऐसे 33.30 करोड़ बैंक खाते खोल करके संदेश दिया कि सबका साथ सबका विकास में ही देश का कल्याण है। इसी प्रकार से जन सुरक्षा योजना में 20.69 करोड़ लोगों की सुरक्षा कवर प्रदान करके देश में एक बहुत बड़ा देशवासियों के लिए कवर प्रदान किया, सुरक्षा कवर प्रदान किया। इसके अलावा स्वर्णों के 10% आरक्षण पर कृष्णराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है। हमारी सरकार ने देखा ना, मैंने कहा कि किसी जात का नहीं, किसी का नहीं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और समरसता की बात करती, और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया
कि जो कांग्रेस सरकार है बहुत लंबे समय तक लॉलीपॉप देती रही है कि 10% देंगे 10% देंगे, लेकिन उसको करके दिखाया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और इतनी जल्दी आपने लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होकर के राज्यों में भी आ गया है। अभी कितना दिन हुआ है, और मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ नहीं लागू हो रहा है तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठता है। रतनपुर में कवर्धा से कोरबा जा रही तिवारी बस को ग्रेटर जूना ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया और ग्रेटर को जब्त कर थाने भेज दिया। बिलासपुर के व्यापार विहार क्षेत्र में अचानक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। पथरिया विधानसभा से बसपा विधायक रामबाई सिंह जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान सिविल सर्जन से रामबाई सिंह ने कहा है कि अस्पताल में गरीब इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारी पैसों का लेन देन कर गरीबों का शोषण करते हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। रामबाई ने इसी दौरान हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बातचीत को मीडिया अलग तरीके से पेश करती है, इसलिए वह हाथ जोड़कर वेदन कर रही हैं, क्योंकि हाथ खुलने पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। रामबाई का ये दबंग वाला वीडियो एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने सबके सामने इसे निवेदन कर रहा है कि फिर बाद में मीडिया हम जो सवाल करते हैं आपने ऐसा क्यों बोला, ये आपके पद के खिलाफ है, तो आज हाथ जोड़ रहे हैं तो जो भी तो दिखने चाहिए कि हाथ जोड़ते भी हम नहीं बोलते हैं। हमारा निवेदन है आपसे, पहले हम इसलिए हाथ जोड़ते हैं कि बाद में हमें खोल लेना पड़े ना, खोलते हैं तो फिर मैं किसी की नहीं सुन पाती, मजबूरी ये हो जाती मेरी है नहीं। तो बहुत ज्यादा शिकायतें हैं और हमारे पास जा रही हैं, तो शिकायत करने वाली तो आपसे विशेष। नरसिंहपुर के बरमान में नर्मदा तट पर मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति एवं कैबिनेट मंत्री गंगोरिया सहित जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और उसके बाद विधिवत मेले का शुभारंभ किया। राजधानी के जीआरपी पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से कई मोबाइल और एक सोने की चेन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहर के कई इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बहरहाल आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि कितने आरोपी अभी तक, तो आरोपी इसमें एक एक ही घटना भी उसी एक ही व्यक्ति ने की थी। अब ये जो मोबाइल जब्त हुए हैं इससे पहले पता चलेंगे तो इन मोबाइल में घटना कब और सर वारदात आमने सामने की इसके साथ एक अकेला व्यक्ति है और उसने उस समय उसको कुछ धुंधला सा जिसे सरोड़ा देखा भी था कि सफेद पैंट पहने हुए हैं, तो पूरा था सफेद पैंट पहने हुए लड़की नहीं वेरीफाई करा। मामलों में बंद हो चुके तो जीआरपी में क्या मामला दर्ज है इसके खिलाफ? ये इसके जो अपराध निकलवाए हैं वो थाना 3 अपराध हैं जीआरपी, वो एक तो है 256/18, एक 594/17 और 650/18 एकूर के अपराध हैं जीआरपी के। ये तीनों के तीनों जीआरपी के हैं और तीनों चोरी के हैं, 2389 में हैं, 380। तो ये मोबाइल सर कहाँ अपराधी है कि ट्रेनों में चोरी करता है? यहाँ ज़्यादातर अपराधी है और हम और पिछले 2-3 सालों से बहुत जल्दी हुआ है। ये मोबाइल कब की इन्होंने किसी बार अपने
दी है, तब उस पता लग गया कि कपूर के साथ की बात है। सर जो नौ मोबाइल इसके पास से मिले हैं, चोरी किए हैं या जिसने खरीदारी की? नहीं, अभी क्या है कि मैं ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी, ये चोरी के हैं या कहाँ के हैं। जब जब हम उनके भैयाजी को ट्रेस करेंगे तब पता लगेगा ये चोरी के हैं। इसकी मोटर सप्रेटिस क्या होती है, नौ मोबाइल पे अलग अलग सिम बदल के बात करना क्या? भैया ये मोबाइल अपने पास रखता था और कोशिश इसकी यही थी कि मोबाइल को बेच दूँ, क्योंकि आजकल क्या है शॉप सकती है और कोई भी शॉप वाला है मोबाइल को खरीदता भी नहीं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन बनता है एक्सपर्ट का, सारे सारे मोबाइल के पास उस मोबाइल से ही पता लगा कि ये आदमी एक ही व्यक्ति है जो इतने सारे मोबाइल पर चला। सर लगातार अपराधों में पकड़ा जा रहा है, मतलब ट्रेन चोरी में जो भी है, स्टेशन जब क्रॉस करते हैं लोग तो क्या पुलिस इनको कैसे निगरानी नहीं कर पा रही लगातार जब ये वारदात में साफ हो रही है? देखिए मैं अभी तक की जो मेरी स्टेडियम में अभी रेस्पॉन्स टीम हमारी काफ़ी सक्रिय है, जो मैंने देखा कि हमारे भी पता के साथ साथ जो अभी मैं पता की समीक्षा कर रहा हूँ तो हमारी रेस्पॉन्स टीम बहुत सक्रिय है, और जैसे ही सूचना मिलती है अगले स्टेशन को वो तुरंत टीम पहुंचती है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।